नया बहाली है का? यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? चलो न खाइब सावन में मुर्गी मछरिया, नहीं तो रूठ जाइए हमार भोले सावरिया। नमस्कार, मैं कृष्णा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड फाउंडर द लीगल साइड। आज के इस वीडियो में मैं आपको मांसाहार के विज्ञापन पर बैन को लेकर कुछ विशेष बताने वाला हूँ, जिसके बारे में कोर्ट ने जो कहा उसे सुनकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि जैन धार्मिक संस्थाओं ने कोर्ट का रुख करते हुए मांसाहार के विज्ञापन पर बैन लगाने की मांग की, तथा साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि वो मांसाहार के विज्ञापन को लेकर दिशा निर्देश जारी करें। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इस याचिका के माध्यम से जो आप मांग कर रहे हैं वैसा करना दूसरे लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण होगा, और ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अंतर्गत ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे संबंधित दिशा निर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी विधानमंडल की है, और यदि इससे संबंधित कोई कानून होता या फिर ऐसा करने से या फिर ऐसे विज्ञापनों को करने से किसी अन्य के अधिकारों का उल्लंघन होता, केवल उस कंडीशन में हम इस पर विचार कर सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसी याचिका पर विचार करने का कोई महत्व नहीं बनता है। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, और याचिकाकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वो अपनी इस याचिका को वापस ले ले। दोस्तों, इस केस के माध्यम से आप ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार मांसाहार ने भारत में अपनी जगह बना ली है, और कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक लगाना संभव नहीं है। ये काम विधानमंडल का है, तथा विधानमंडल द्वारा कुछ जरूरी दिशा निर्देशों के माध्यम से ही इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और भी कानून से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही यदि वीडियो हमारी पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।